हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र। आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डरावनी दुल्हन की स्टोरी का ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुका है। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अय्यर इस समय जेठला को चैलेंज करेगा कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो मोहनलाल के फ्लैट में जाए और सबूत के तौर पर वहां पर एक फोटो लेके आए। सो गाइस, इस समय जेठलाल ने अय्यर भाई का चैलेंज एक्सेप्ट करके मोहनलाल के फ्लैट की ओर निकल पड़ा है, और जिसमें उसने ना चाहते हुए भी मेहता साहब को इंक्लूड कर लिया है। यानी कि मेहता साहब भी जेठलाल के साथ मोहनलाल के फ्लैट में गए हैं। लेकिन गाइस, जब वो दोनों लोग मेहता साहब के फ्लैट में एंट्री कर रहे थे तो उससे पहले ही उनका सामना भूत से हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा जब मेहता साहब और जेठलाल आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी उनके पीछे से कोई निकलता है। सो गाइस, कोई और नहीं बल्कि ब्रोकर विक्की या फिर उनकी टीम का कोई मेंबर है, और जिसके सामने अचानक से मेहता साहब और जेठलाल एक मुसीबत बन के आ चुके हैं। लेकिन गाइस, अब वो भूत नहीं जेठलाल और मेहता साहब के ऊपर मुसीबत बन चुकी है। जैसा कि मैंने अपकमिंग एपिसोड में देखा कि मेहता साहब तो पहले से ही डरे हुए थे, और जिसके बाद वो बेहोश हो गए, और अचानक से जेठलाल के सामने वही भूतनी आ जाती है जो कि गोकुलधाम के मेंबर्स को दिखी थी, जिसे देखकर जेठलाल काफी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन गाइस, इस समय पर जेठलाल का रिएक्शन वो नहीं है जो गोकुलधाम के बाकी मेंबर्स का है। यानी कि जेठलाल इतना डरा हुआ नहीं है जितना के गोकुलधाम सोसाइटी के बाकी मेंबर्स डरे हुए थे। जेठलाल को देखकर तो ऐसा लगता है कि उसे भूतनी के बारे में पहले से पता था। सो सब देखते हैं कि आखिरकार अपकमिंग स्टोरी कौन सा नया मोड लेती है और कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट देखने को मिलता है, और क्या जेठलाल इस भूतनी का पर्दाफाश कर पाता है। ये सब तुम्हें आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, फिलहाल आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या जेठलाल भूतनी का पर्दाफाश कर पाएगा? आप अपने कमेंट्स और रिव्यूज अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।